प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया, यह है मोदी और कांग्रेस की सरकार में फर्क। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा जिस तरह से लोगों ने कहा कि किसान का हम वो करेंगे ये करेंगे, कांग्रेस हमेशा किसान को गरीबी रखा। संसद के इस नए भवन में जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेतृत्व कर रहे और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे, नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहां से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती है, लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमावरण उपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी और आप, हम सब के मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया, और इस देश पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है। अच्छा होता
हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है और उसको बार बार दर्द होता है कि ये दशा है इनकी, क्योंकि सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए, और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए, इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्ष जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए, उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था के मूलभूत जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की, और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है, और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है,
G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं, कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की, मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे। लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक। कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, गया आती है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, अब 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती है, होनी चाहिए। देश 5 नंबर पे पहुंचा, आपको खुशी होनी चाहिए। किस बीमारी में फंसे पड़े हो आप? कांग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे,
और जनता जनार्दन को हमेशा कबूतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वक्त, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है, नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया।
इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े वांकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था क्यों कम हुआ। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए, ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, क्योंकि रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया, गलत हाथों में जाने से बचाया, देश के टैक्स पेयर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप?
कौन सा कल्चर देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप, कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य दर्जी ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उसकी थाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करी जा रही, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है, वहां पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हवा बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है। और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मारा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखें। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है,